नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों कल जो है मैंने आप सभी को एक न्यूज़ दी थी कि जो केदार जाधव है वो पूरे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। तो दोस्तों आज जो है फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स ने केदार जाधव का जो रिप्लेसमेंट है वो अनाउंस कर दिया है। और दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है डेविड विली। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी रिप्लेसमेंट है। दोस्तों जो डेविड विली है वो काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर है। गेंदबाजी तो उनकी बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग में आके गेंद को स्विंग करते हैं और दोस्तों बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। दोस्तों डेविड विली को जो है किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं ख़रीदा था ऑक्शन के अंदर, वो जो है अनसोल्ड चले गए थे। लेकिन दोस्तों जो T20 में डेविड विली का रिकॉर्ड है, फॉर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जिसको देखते हुए जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट लिया है। केदार जाधव के बदले में डेविड विली को अपने टीम में बुलाया है। दोस्तों डेविड विली के आने से जो है चेन्नई सुपर किंग्स की जो गेंदबाजी की लाइनअप है वो और ज़्यादा अच्छी बन जाती है, क्योंकि दोस्तों जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनके पास भारी मात्रा में स्पिन गेंदबाज है। लेकिन दोस्तों जो फास्ट गेंदबाज है चेन्नई के पास, वो भी स्ट्राइक गेंदबाज, वो थोड़े से कम थे। अभी डेविड विली के आने से जो है चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो और ज़्यादा मजबूत बन जाएगी। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट है। डेविड विली काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, गेंदबाजी करके देंगे चेन्नई को, बल्लेबाजी करके देंगे, फील्डिंग करके देंगे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक खिलाड़ी जो है आपको सब कुछ करके दे रहा है, तो इसका जो है पूरा फ़ायदा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उठाने वाली है डेविड विली के रूप में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चेन्नई के फ़ैन हो तो शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही रोजाना लेटेस्ट क्रिकेट और आईपीएल की खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी याद से दबा दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।